नंबर 21। करनाल में बसंत पंचमी पर आसमान में किसान एकता जिंदाबाद का नारा गूंजा है। आपको बता दें कि करनाल के युवाओं ने किसानों के समर्थन में अलग अंदाज में बसंत पंचमी मनाई है। आपको बता दें कि आसमान में किसान एकता जिंदाबाद का नारा गूंजा है। सुबह से ही करनाल शहर में पतंगबाजी का दौर जारी है। युवाओं में उत्साह है पतंगे उड़ाने को लेकर, तो वहीं कुछ युवाओं ने किसानों के हक में ही पतंगे उड़ानी शुरू कर दी हैं। इन युवाओं का कहना है कि किसानों के बच्चे हैं, सरकार धक्का कर रही है तो हम भी युवा हैं, अपनी ताकत अपनी एकता दिखाते हुए पतंगे उड़ा रहे हैं। युवाओं ने यह भी कहा कि आसमान में पूरे जोश के साथ किसानी पतंगे उड़ा रहे हैं। इन युवाओं का कहना है कि देर रात जाकर स्पेशल किसानों को समर्थन देने के लिए पतंगे खरीदी थी। युवाओं ने कहा कि सरकार से बस यही अपील है कि किसानों की मांगों को सरकार द्वारा सुना जाए। बताते चले कि पतंग में एक तरफ किसान ट्रैक्टर चला रहा है तो वहीं दूसरी तरफ किसान यूनियन जिंदाबाद का नारा लिखा हुआ है। आसमान में उड़ती पतंगों के बीच किसानी समर्थन की ये पतंगे अपना अलग ही अंदाज आसमान में दिखा रही हैं, जिससे हर तरफ माहौल रंगीन बना हुआ है। हालांकि हवा थोड़ी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी युवा खूब मस्त है। क्या कहोगे सर, आज पतंगे उड़ा रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो दिल्ली में बॉर्डर पे किसान आज 80 से 85 दिन के दिन हो गए उनको रहते हुए, जिसके कारण किसानों का मांगे पूरी नहीं की जा रही। उनकी मांगों को पूरा करने के लिए हम उनके सरकार के विरोध में हम किसानी पतंगे उड़ा रहे हैं, ठीक है। और जल्दी जल्दी सरकार को इस बात को मानना चाहिए। सरकार को क्या भाई, मोदी सरकार उनके हक में उनको अपने हक नहीं दे रही है, ठीक है। तीन कानून जो काले कानून है उनको वापस लिया जाए। आप क्या कर रहे हो आज? क्या मेरा मकसद ये था कि आज सारे युवा इकट्ठे होके युवा ने ये फैसला लिया, अभी हम किसानों के हक में किसानी पतंगे उड़ाएंगे, जिसके कारण कि विरोध किया जाए, जितना ज़्यादा सरकार का विरोध हो सरकार को जल्दी जल्दी माना जाए। गुरुबाज जी, क्या पतंगे उड़ा रहे हैं आप, कहाँ से लाए और क्या आपका मकसद है? अज असी मैं बहुत घट पतंगा उड़ा, मैं इन्दे अपना सपोर्ट भी नहीं करता इस चीज़ नूं। ये अज खास करके साडा यही आ भी असी अपने किसानी बारे जागरूक करिए। तो असी रात भी किन्नी देर लभदे रहे, बहुत औखियां सानू किसान एकता वालियां पतंगा लभियां, ये वेखो। तो असी इन्दे राही असी लोगों नूं जागरूक कर रहे हैं जी भी किसानां नूं सपोर्ट करो। किसानां नाल बहुत धक्का कर रही है सरकार, असी तीन कानून वापसी चाहते हैं। किसानों के खिलाफ बहुत अत्याचार हो रहा है, कई किसानों वाले शहीद हो गए हैं। हमें बड़ा दुख है, मोदी सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी कुछ कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई होए और उनपे जो धारा लगी है वो वापसी ले जाए। अच्छा, तो क्या लगा आपको, आपके पास कोई जमीन या फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हो? चाहे हमारी जमीन नहीं, हमारे भाई बहन तो है, लेकिन वो हम ही रहने लगे हैं। मेरे दादा भी किसान थे, सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन हम पतंग उड़ा रहे हैं, लेकिन हम सपोर्ट तो करेंगे। क्या नाम है आपका? सौरभ डुडेजा। मेरा नाम समरजीत सिंह। समर, क्या पतंगे उड़ा रहे हो, क्या लगा आपको ऐसी पतंगे उड़ानी चाहिए आज? ऐसी बात है, हमारे जो आपको पता चल रहा होगा आजकल जो हालात चल रहे हैं किसानों के साथ, उनके साथ धक्का किया जा रहा है। कितने महीने हो गए किसान सड़कों पर बैठे हैं, पर ये सरकार हमें हमारे कानून वापस लेने को माने नहीं रही। ये कुछ ना कुछ ऐसी चालें चलती रहती है, जैसे आपको देखा होगा 26 जनवरी को जो उन्होंने चाल चली है, जो उन्हें नहीं चलनी चाहिए थी, ठीक है, सिर्फ बदनाम करने के लिए किसानों। तो आज आप क्या कर रहे हैं? हम आज कल रात को बहुत ढूंढी हमें पतंगे, कि सिर्फ किसानों को प्रमोट करने के लिए हम पतंगे ढूंढ के लाए हैं मार्केट से, और बहुत मुश्किल हमें पतंगे मिली हैं, ताकि हम पतंगों के जरिए किसानों को सपोर्ट कर सकें। अच्छा, कितनी को पतंगे आप लाए थे और कितनी उड़ा रही है और क्या मौसम का हाल है? हम कम से कम 500 के हिसाब से पतंगे लाए थे और हवा बहुत कम है, पर हमने फिर भी 250-300 पतंग उड़ा चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। पूरा सरकार क्या लगता है, मानना चाहिए सरकार को, क्योंकि आसमान में भी आज नारा गूंज रहा है? सरकार को मानना चाहिए, सरकार को हमारे खुद के हक हैं, हमारी जमीन हमारी माँ है, हम अपनी माँ के लिए अपने हक मांग रहे हैं, तो हमें हक मिलने चाहिए।